थैंक यू सो मच मैम। सभी को मेरा नमस्कार। लगता है सभी लोग काफी देर से बैठे हैं, किसी लोगों को नींद आ रही है, किसी को प्यास लगी है, किसी को भूख लगी है, लेकिन जब तक कि ये आप बर्दाश्त नहीं करोगे तब तक कि आपको सक्सेस भी नहीं मिल पाएगी। एक टाइम था जब हम लोग भी ऐसे ही बैठते थे, हमें भी बहुत प्यास लगती थी, गर्मी भी होती थी, आज भी बहुत गर्मी है, लेकिन जब तक कि कोई तपता नहीं है ना तो वो सोना भी उभर के नहीं आते हैं। मानते हो उस चीज को? यस या नो? तो कैसे हैं आप? तो वो जोश होना चाहिए आपके अंदर, तो एक जबरदस्त क्लैपिंग होना चाहिए, क्योंकि मैं जब से देख रही हूं आप लोगों को बहुत लेजीनेस हम लोगों को फील हो रहा है, तो आपका एक्साइटमेंट जब तक के नहीं होगा तो मंच पे आने वालों का एक्साइटमेंट दिखाई नहीं देगा। तो माय सेल्फ स्वाति कनोजे फ्रॉम नागपुर से, और मैं SM की पोस्ट पे हूँ। थैंक्स बोलना चाहती हूँ एटोमी इंडिया को कि आज उन्होंने मुझे ये मौका दिया है। एक सक्सेस स्टोरी क्या होती है, तो ये मैं आपको थोड़ी सी बातों में बताना चाहती हूँ। यहाँ पे हमारे बीच में मेल फीमेल दोनों बैठे हुए हैं। हम लोग देखते हैं कि जेंट्स लोग जब भी अगर से कोई काम करते हैं ना, तो इन लोगों के बीच में कभी ब्रेकअप नहीं आते हैं, घर से इनको कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है, कभी इन लोगों पे कोई बॉन्डेशन नहीं होता है कि अभी आप इस टाइम पे बाहर हो तो आप क्यों हो, या फिर आप इस काम को क्यों कर रहे हो। क्योंकि हम लोग भी जानते हैं कि हमारे यहाँ के जेंट्स जब तक के बाहर जाएंगे नहीं, जॉब करेंगे नहीं, अपना बिजनेस करेंगे नहीं, तो इनकम हमारे घर में आएगी नहीं। ये मानते हैं हम लोग, क्योंकि उनकी इनकम आएगी तभी हम लोगों के घर चल पाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी समय चेंज हो रहा है, क्योंकि मेंटेलिटी जैसे जैसे सबकी बन रही है वैसे सभी लोग चाहते हैं कि अगर हस्बैंड जॉब पे है तो वाइफ भी जॉब पे हो। ये हम लोग चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि दोनों का बॉन्डिंग होगा, दोनों का इनकम घर में आएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी 2025 तक के अगर से कोई हस्बैंड नेटवर्कर है तो वो चाहेगा कि मेरी वाइफ भी नेटवर्कर हो। ये दौर आने वाला है, क्योंकि ये दौर इसलिए आएगा, इनकम का अगर से हम लोग दायरा है तो इनकम को हम लोग देखते हैं कि हर जॉब में हम लोग एक बॉन्डेशन लिमिटेड इनकम होती है, लेकिन नेटवर्क सिस्टम में कभी भी उस वो बॉन्डेशन नहीं होती है, अनलिमिटेड इनकम होती है। और अनलिमिटेड इनकम को पाने के लिए मैंने एक टाइम एक सपना देखा था, मुझे एक जगह पूछा गया था, एक जगह मैं जब अपना रिज्यूम लेके गई थी उन्होंने मुझे पूछा कि मैम आपको सैलरी कितनी चाहिए, सैलरी कितनी चाहिए, तो मैंने उनको बोला सर आप कितना दे सकते हो, आप कितना दे सकते हो। तो होता है एक कैटेगरी वाइज होती है जॉब के अंदर, लेकिन मेरा एक ड्रीम है कि इनकम अगर से लेना है तो उस इनकम का एक रेशियो नहीं, अनलिमिटेड इनकम होना चाहिए, अनलिमिटेड इनकम होना चाहिए, कि वो इनकम को आप माप नहीं पाओगे कि हमारे पास कितनी इनकम आ रही है। जब मैंने एटोमी के प्लान को देखा, यहाँ के इंपीरियल मास्टर की जब इनकम मैंने देखा, तब मुझे लगा कि नहीं ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है मेरे लिए। एज अ ब्यूटिशियन जब मैंने इसके प्रोडक्ट को देखा तो इसके प्रोडक्ट इतने बेस्ट प्रोडक्ट मुझे देखे कि मुझे लगा कि इस चीज को मैं मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से ले जा सकती हूँ, क्योंकि ये जो ब्रांड है ना, ये जो ब्रांड मेरे पास आया ये मार्केट में किसी के पास नहीं है। आज बड़े बड़े ब्रांड मार्केट में चलते हैं, लेकिन कौन से? पहले एक टाइम था जिसका नाम था शहनाज हुसैन, यहाँ पे सभी लोगों ने देखा होगा और सुना भी होगा, लेकिन उसका आज की डेट में कितने लोग जानते कि शहनाज हुसैन का आज नाम कितना अप में है? नहीं, क्योंकि नया वर्जन आ चुका है, नए नए प्रोडक्ट आ चुके हैं। तो जैसे ही हम लोग देखते हैं अभी मार्केट में उछाल में है O3, है ना, तो जब मेरे पास ये ब्रांड आया, मैंने इसकी जब स्टडी की तो मैंने एक ही चीज देखा कि नहीं, ये आज की डेट में इस प्रोडक्ट को लेके मैं मार्केट में बूम कर सकती हूँ, इसका स्टडी किया। अब होती है सीखते सीखते जब मैंने इसको सीखा और इसकी क्वालिटी को पहचाना और जब मैंने मार्केट में जाना स्टार्ट किया, तो आज रिजल्ट आपके सामने है कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। ये भी प्रोडक्ट की वजह से, प्रोडक्ट की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और ये कैसे बढ़ा?
क्योंकि आपको बता दूं, यूज द प्रोडक्ट, फील द प्रोडक्ट। जब तक कि आप यूज नहीं करोगे, आप फील नहीं कर पाओगे, और फील नहीं कर पाओगे तो आप रिकमेंडेड भी नहीं कर पाओगे। मैंने फील किया, यूज किया, मुझे जब रिजल्ट आए तब मैं मार्केट में इसको प्रमोट किया। और मैं आपको बता दूं, मैं इस इंडस्ट्री में आई हूं ना, तो एक ही चीज देखा है कि आपका टाइम बॉन्डेशन, लोग टाइम बॉन्डेशन से चलते हैं, लेकिन मैंने अपने टाइम बॉन्डेशन को ब्रेक किया है। क्योंकि जहां पे आप अपने टाइम बॉन्डेशन को लेके चलोगे तो आप सक्सेस कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे। मैंने अपनी सफलता के आगे मैं अपना टाइम बॉन्डेशन, अपना परिवार, अपनी बेटी, मेरी 5 साल की बेटी है, मैं उसको भी बीच में नहीं लाती हूँ। ममता मेरी भी है, बेटी मेरी भी है। मैं जब भी सक्सेस के लिए जब मैं अपना कदम आगे बढ़ाती हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरा परिवार, मेरी बच्ची, मेरा हस्बैंड, मेरे माता पिता, मेरे भाई, मैं इन लोगों को हमेशा साइड में रखती हूँ। मेरा एक ही विजन होता है, एक ही मेरा पर्पस क्लियर कट होता है कि सक्सेस। जब तक कि अगर से हम सक्सेस नहीं लेंगे, तब तक के मुझे वो सुकून फील नहीं होता है। और मैं आपको बता दूं कि आपका जब तक कि विजन क्लियर नहीं है, आप तब तक के इन सब चीजों को साइड में नहीं रख सकते हो। आपका विजन क्लियर है तभी आपका रास्ता भी क्लियर होगा। मेरा विजन क्लियर है इसलिए मेरा रास्ता क्लियर होता है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि लोग होते हैं ना कि ये कहते हैं हम कैसे करें कि हमें कुछ नहीं आता है, हम कैसे लोगों के पास अपनी बात रखे, हमें कुछ नहीं आता है, हम सीनियर को लेके जाते, सीनियर के माध्यम से हम लोग करवाते। लेकिन जब तक कि आप खुद वन बाय वन नहीं जाओगे, जब तक कि आप स्टेप बाय स्टेप अपना कदम नहीं बढ़ाओगे, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, डर मुझे भी लगता था कि इतना ब्रांडेड प्रोडक्ट, इतना कॉस्टली प्रोडक्ट कैसे लोग खरीदेंगे, मैं किसके पास जाऊँ। लेकिन मुझे जाते जाते रास्ता मिलते गया, और आज उस टाइप के पीपल्स मेरे पास आते गए, उस टाइप के लोग आज मेरे को मिलते गए हैं, और आज कारवा बनते गए हैं। रात को लेडीज को डर लगता है कि मैं अगर से 10 बजे किसी के यहाँ बैठी हूँ, प्लान दे रही हूँ, तो मेरे घर में क्या होगा। लेकिन आप वो काम कर रहे हो जिससे आपकी भी लाइफ बन रही है, आगे वाले की भी लाइफ बन रही है। आपको नहीं पता है कौन इंसान अपने जीवन में दुखी है, कौन इंसान किस बीमारी से ग्रसित है, आपको नहीं पता किसको क्या प्रॉब्लम है, किसके घर में इनकम का दायरा छोटा है, किसके घर में इनकम का दायरा बड़ा है, आपको नहीं पता। आप उसको प्रोडक्ट दे के यूजर बना सकते हो, प्लान दे के आप बिजनेस पार्टनर बना सकते हो, आप प्लान के माध्यम से आप उसको इनकम के लिए एक सोर्स दे सकते हो, आप उसको अपना बिजनेस पार्टनर के साथ साथ आप उसको एक बहुत अच्छा लीडरशिप दे सकते हो, आप उसका हेल्थ अच्छा कर सकते हो, आप उसको उस बीमारी से निकाल सकते हो। क्योंकि आप जहाँ बैठे होते हो आपको नहीं पता होता है, तो आप ये सोचते हो मैं 10 बजे और 9 बजे बैठ रही हूँ तो क्या होगा। मैं आपको बता दूँ, आपका विजन क्लियर है, पर्पस क्लियर है, आप 11 बजे भी किसी के घर में बैठोगे तो आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठेगी, आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठेगी, क्योंकि आपका विजन क्लियर है। यहाँ हो सकता है बहुत से ब्यूटिशियन बैठे होंगे, हो सकता है बहुत से गवर्नमेंट जॉब वाली लेडीज बैठी होगी। अगर हमें अगर से किसी का मेकअप करना है, ब्राइडल है, अगर हम लोग 7 बजे 8 बजे घर जा रहे हैं, तो एक ब्राइडल को तैयार होने के लिए 2 घंटे लगते हैं, होते मैम। अगर उस ब्राइडल का हमको ऑर्डर यहाँ से 100 किलोमीटर दूर या 200 किलोमीटर दूर अगर से मिल रहा है, उस ब्राइडल को हम रेडी करके घर में 1 बजे आ रहे हैं, तो क्या आपको आपके घर में बोला जाएगा कि इतना लेट क्यों आए? बोला जाएगा? नहीं बोलेंगे। तो आप जब अपने कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, जब आप अपने बारे में अगर से, आप अपने विजन के बारे में अगर से किसी के पास जा रहे हो, तो आपको ये नहीं पूछा जाएगा आप कहाँ जा रहे हो, क्योंकि बता के जा रहे हो भाई कि ये टाइम है, ये मेरा प्रोस्पेक्ट है, इस टाइम पे मेरी मीटिंग है। तो आप एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं, एक सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म, यहाँ से आपकी जर्नी बहुत अच्छी हो सकती है, आप सक्सेस हो सकते हो। मैं आपको बता दूं, सेकंड टाइम जब 1 से 15 अप्रैल के बीच में मेरा सेकंड टाइम सेल्स मास्टर अचीव हुआ है, इस बीच में मेरे पास में बहुत से ब्रेकर आए थे, बहुत सारी चीजें मेरे साथ हुई थी, लेकिन मेरा विजन क्लियर था। मुझे ऊपर से कॉल आते थे, डाउनलाइन से कॉल आते थे, सभी तरीके से कॉल आते थे, और मेरा एक ही मकसद था कि अब की बार आर या पार, अब की बार आर या पार, अब की बार अपने टीम से एक सेल्स मास्टर निकालना है। ना दिन देखा ना रात देखी, मेहनत करती गई और सफलता हासिल हुई।
ना दिन देखा ना रात देखी, मेहनत करती गई और सफलता हासिल हो गई। जिस दिन मैं अपने दिल और दिमाग को अगर से वो इंटेक्शन दे सकती हूँ कि मुझे ये काम करना है, इसको मुझे हासिल करना है, तो उस काम को करने के लिए मुझे कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। कल मेरे यहाँ शादी है, आज मैं यहाँ हूँ, लोग बोलते हैं आप कैसे, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है। शादी तो होगी भाई, और मेरे नहीं रहने से शादी नहीं होगी ऐसा नहीं है। दूल्हा तैयार है, दुल्हन तैयार है, बाकी लोग वहां हैं। तो हमारा विजन होना बहुत जरूरी है। मेरा विजन क्लियर कट है, मेरी बेटी 5 साल की है, मैं जब भी फील्ड के लिए निकलती हूँ तो मेरे से पूछती, मम्मा आप कहाँ जा रहे हो? उसको एक ही बोलती हूँ, बेटा मम्मा ऑफिस जा रही है, शाम को आएगी। अच्छा, उसके माइंड में वो सेट हो गया है, वो सेट हो गया है कि मैं घर से जब निकलती, अच्छा आप जा रहे हो मम्मा, हाँ मैं जा रही हूँ, ठीक है जल्दी आना, मेरे लिए कैडबरी लेके आना। उसके ऊपर उसका कोई क्वेश्चन नहीं होता है। उसको बुखार भी आता है, और मुझे अगर से मीटिंग में भी जाना है तो मैं कभी नहीं देखती कि मेरी बेटी को 102 103 बुखार है तो मैं इसको छोड़ के कैसे जाऊँ। भले लेट पहुँचती हूँ लेकिन उस मीटिंग को अटेंड करती हूँ, क्योंकि न जाने आपके पास यहाँ पे कौन सा लीडर आपको वो बात बोल दे जिसकी वजह से आपका, आपके लाइफ का, आपके परिवार का फ्यूचर बन जाए। और वही चीजों को मैं मिस नहीं करती, लेकिन एक चीज है कि मेरा विजन क्लियर है। विजन मेरा क्लियर है, बेटी 5 साल की है, और मेरा टारगेट है, अभी जस्ट शुरुआत है, और वो भी 5 साल की है। वो 10 साल की होते तक के उसकी मम्मा कहां होगी, और जहां मैं होगी तो मेरी बेटी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना तो मैं उसके ऊपर कभी कोई प्रेशर दूंगी कि बेटा जितना एजुकेशन है उतना करो, आपको आईपीएस करने की जरूरत नहीं है, आपको इस फील्ड में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी मम्मा सेटल है, वो अपनी मम्मा का डुप्लीकेशन बनेगी, वो किसी और का एग्जाम्पल नहीं देगी, वो अपनी मम्मा का एग्जाम्पल देगी, और देती है मेरी बेटी। इतना तो बनाया मैंने उसको कि दिन भर टाइम नहीं देती हूँ, लेकिन रात में जब सोती है तो डिस्कस जरूर करती हूँ, समझे या नहीं समझे, लेकिन इतना उसको पता है कि मेरी मम्मा क्या कर रही है। और आपको बता दूं, मैं जब डेमो देती हूँ ना तो घर में वो किसी और को डेमो देती है। मैं पोमोग्रेनेट लेती हूँ तो चुप चुप के मेरे बैग में से निकाल के पोमोग्रेनेट खुद खाती है। न्यूट्रासिटिकल उसको इतना पसंद आता है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे प्रोडक्ट छोटे बच्चों को नहीं देना, लेकिन मेरी बेटी डेली खाती है, डेली लेती है, तो हमारे प्रोडक्ट इतने बेस्ट है कि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों, जर्नी आपकी है, शुरुआत आपकी है, सक्सेस आपको पाना है। आज आपको यहाँ किसने इनवाइट किया है? आप 2 घंटा 3 घंटे आप यहाँ पे बैठे हो, खुद के लिए बैठे हो, ना किसी सीनियर के लिए बैठे हो, ना ही किसी आप जूनियर के लिए बैठे हो, आप खुद के लिए बैठे हो। और आपने घर जाके उसको धन्यवाद बोलना अगर से आपको ये कंपनी का प्लान, कंपनी के प्रोडक्ट, और जितने भी लीडर यहाँ आके अपनी सक्सेस स्टोरी बताए हैं, तो उनको हम समझ सकते हैं। तो आप घर जाके विचार कीजिए और अपने आप में अमल कीजिए। रास्ते इनकम के बहुत है, नौकरी है, एग्रीकल्चर है, बिजनेस है, तीनों रास्ते में अलग अलग रास्ते और बने हुए हैं, लेकिन ये जो रास्ता है ना सर, ये बहुत डिफरेंट है, ये गॉड गिफ्ट है। नेटवर्क मार्केटिंग को लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग कि पहले ऐसा हुआ, अब नहीं है, लेकिन अभी सिस्टम पूरा चेंज है, वर्जन चेंज होते जा रहा है, मोबाइल में अपडेशन डेली न्यू आ रहे हैं, तो आज इस सिस्टम में भी अपडेशन हुआ है। और मैं आपको बता रही हूँ, एक बच्चा है ना, हमें जितना मोबाइल का नहीं समझता उतना बच्चे को समझता है, जितना हमें नहीं समझता उतना बच्चे को समझता है। तो एटोमी आप जो कर रहे हो ना, आप खुद के लिए नहीं कर रहे हो, आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हो,
क्योंकि फ्यूचर उनका है। आज हम देखते हैं, मैं जब घरों में जाती हूँ, जब परिवार से जुड़ती हूँ ना, तो कई ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि आज हमारे मदर यहाँ है, फादर यहाँ है, ये यहाँ है। लेकिन अगर हम लोग उस सिचुएशन में जब जाएंगे, हमारा एक अगर से हम लोग आज शेरॉन रोज मास्टर बनेंगे, इंपीरियल मास्टर बनेंगे, हमारे पास इनकम आएगी, तो हमारी ऐसी दशा नहीं होगी, ऐसी दशा नहीं होगी। आज वक्त है और इसमें एज बॉन्डेशन नहीं है, इसमें एज बॉन्डेशन नहीं है। आप किसी भी एज से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। आप चाहे तो आज आप अगर से 65 साल के भी हो, फिर भी आप इस बिजनेस को कर सकते हो। 65 साल में एक चीज तो आती है ना, नहीं कुछ तो सुनना और बोलना, ये दो चीजें तो आती है हमें, और ये दो ही चीजों से हम लोग अपने बिजनेस को कर सकते हैं। ये दो ही चीजें से हम अपने बिजनेस को कर सकते हैं, एक तो सुनना है और दूसरा बोलना है। अपलाइन क्या बताते हैं, आपको उसको प्रमोट करना है, और यही काम है। और लेडीज लोग इसको बहुत अच्छे से करती हैं, नो डाउट, बहुत अच्छे से करती हैं। सुनना भी है, बोलना भी है और बताना भी है, तो ये चीजें हम लोग करते हैं। तो मैं सभी को यहाँ बेस्ट विशेष देना चाहूंगी। आपको एक ही चीज बताती हूँ, आज आप यहाँ से जो बोलते ना, मंदिर में आता है तो खाली हाथ नहीं जाता है, जो भी माथा टेकता है तो उसकी मुराद पूरी हो जाती है, ऐसे कहते हैं ना हम लोग। ये सोच लो कि आज आप यहाँ पे आए हो, हमारे इस सिस्टम के जो रचयिता है डॉक्टर हेंगिल पार्क सर, जिनको मैं नमन करती हूँ, आज अगर से सिस्टम को हम समझ जाएंगे और इस ऑडिटोरियम से हम कुछ ले जाएंगे, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ बनेगी, आपके परिवार की लाइफ बनेगी, और न जाने आप कितने लोगों की लाइफ को बना सकते हो दोस्तों, कितने लोगों की लाइफ को आप बना सकते हो। मुझे खुशी है, मैं नौकरी किसी को नहीं दे सकती थी, मैं किसी को पर्सनल, मैं अगर से ब्यूटिशियन है, मेरे साथ कोई एक ब्यूटिशियन हो जाए तो मेरे को जेलसी फील होती थी, क्योंकि मेरा मार्केट वो खींच लेगी, और आज मार्केट में यही चल रहा है, मार्केट में यही चल रहा है। लेकिन यहाँ अगर से मैं इस बिजनेस को कर रही हूँ, मेरे साथ अगर से 10 लेडीज भी खड़े हो जाए, यहाँ मुझे जेलसी नहीं होगी। वर्क सब अपने अपने लिए करेंगे, लेकिन इनकम तो मेरे घर में आएगी तो उनके भी घर में जाएगी। तो यहाँ हम किसी का पैर नहीं खींच सकते हैं, इस सिस्टम को समझना जरूरी है। और इस सिस्टम में एक ही चीज है, इसका जिसने भी मोटो अगर से फॉलो कर लिया, वो कभी पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि जो भी है ये चार चीजों के ऊपर है। इन चार चीजों को जिसने समझ लिया, वो चाहे मैं हूं चाहे आप हो, आप अपने जीवन को, अपनी इस आंखों को और इस आत्मा को क्या देते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने एक ही चीज देखी है, मार्केट में पैर खींचने वाले 10 मिलेंगे, लेकिन आप डटे रहोगे तो आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर जाएगा, नहीं कर जाएगा। तो थैंक यू सो मच आप सभी को। जय हिंद, जय भारत, जय एटॉमिक।